हमारा प्लान सॉलिड था, हमारी काबिलियत लाजवाब, हमें बस कामयाबी के लिए एक मकाम चाहिए था, और वो मकाम था एड्रियन का घर। तुम दोनों बहुत ज्यादा स्वीट हो। थैंक यू। तुम्हारी वाइफ कहाँ है? आज उसकी डबल शिफ्ट है। अच्छा लग रहा है। थैंक्स मैन, मेरी वाइफ बहुत प्रिटी है, उस पर नजर मत डालना। वो यहाँ एक चीज की कमी है, म्यूजिक की। सही कहा। तो दूसरे कमरे में चल के काम की बात करें। हाँ, धंधे की बात करते हैं। बारी में म्यूजिक तो बनता है। इन्हें अपने सारे सैंपल्स दिखा दो। okay. उसको परेशान मत करना भाई लोग, हम उसका ख्याल रखेंगे। आओ मेरे साथ नाचो। कौन डांस करते? मैंने तुम्हारे प्लान मेरे अकाउंटेंट को दिखाया, उसका कहना है कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में। डॉगी भी नहीं खाएगा। तुम्हारे प्लान में तो कोई भी इन्वेस्ट करेगा। I'm sorry, Frank, मगर दरअसल मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। मुझे डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिलना है। बुरा मत माना डेनियल, पर मैं तुम्हारे स्किल सेट से पूरी तरह कन्विंस नहीं हूँ। मुझे इतना मजा पहले कभी नहीं आया। मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। मैं आपको अपने तो अपने इशारे के ओके। तो मेरा स्किल सेट आखिर है क्या, मुझे आप बताइए फ्रैंक। तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो डेनियल, तुम बहुत ही हैपनिंग और कूल हो, हम हैंग आउट कर सकते हैं, हम साथ बाहर जा सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि मैं बिजनेस की बातें तुमसे डिस्कस करूं। तो तुम मेरे दोस्त के घर में मुझसे कहना चाहते हो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? एक्चुअली तुम सही कह रहे हो, हमें ये डिस्कशन कहीं और करना चाहिए। तो क्या तुम मेरे बोर्ड रूम में मुझसे मिलना चाहते हो? देखो डेनियल, तुम बिजनेस के बारे में बहुत थोड़ा जानते हो, उतना नहीं जानते जितना तुम्हें लगता है। मेरा मतलब तुम कभी कभी कॉमिकल बातें करते हो, तुम हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते। मैं तुम्हें अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा, पर ये वेंचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, इसके लिए प्रोफेशनल्स चाहिए और तुम लोग इस काम के लिए बच्चे हो। बच्चा किसको बोला बे? बच्चा किसको बोला तू? तुम्हें पता है तुमने किस पे हाथ उठाया? 60, come on, 61, 62, 63, come on, मुझे कोई बच्चा नहीं।